यीशु मसीह में मैं आप लोगों को स्वागत करता हूं। मेरे साथ आप बने रहिए और हम एक विशिष्ट टॉपिक पर मनन चिंतन करने जा रहे हैं। बहुत बहुत अनिवार्य है। टॉपिक यह है संसार, वर्ल्ड। प्रभु ईसा मसीह के जीवन में देखे, प्रभु ईसा मसीह ईश्वर हैं और ईसा मसीह इस दुनिया में आए, इस दुनिया में रहे, लेकिन इस दुनिया का नहीं थे। यीशु मसीह इस दुनिया में रहे, हमारे जैसे रहे, लेकिन दुनिया का नहीं बने। और यही प्रभु ईसा मसीह चाहते हैं कि उनके शिष्यगण भी इस दुनिया में रहें, लेकिन इस दुनिया का नहीं हो जाए। सो बहुत महत्वपूर्ण है, हम लोग इस संसार में रहकर हम इस संसार के बन जाते हैं, लेकिन हम लोगों को ऐसा नहीं होना है। दुनिया में अधिकतर लोग संसार की मोह माया में पड़े हुए लोग हैं। रोमियो के नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय 12 वाक्य 2 में संत पौलुस हम लोगों से कहते हैं, आप लोग इस संसार के अनुकूल ना बने। तो आजकल हम लोगों के लिए बहुत परीक्षा है, टेम्पटेशन है कि संसार के अनुकूल बनने के लिए। जैसे उदाहरण मैं देता हूं, हमारे युवा पीढ़ियां जब कुछ फिल्म एक्टर्स कुछ मॉडल लेके आते हैं, हेयर स्टाइल लेके आते हैं, तो तुरंत बिना सोच के उनके समान उनका हेयर स्टाइल बना देते हैं। हमारे लड़कियों में ऐसा है, कुछ फिल्मों में हीरोइन कुछ ऐसा कपड़ा पहनकर आती हैं, तो तुरंत बिना सोचे हमारे लड़कियां भी उसी प्रकार वही कपड़ा पहनना शुरू करते हैं। हमारे आजकल मोबाइल हैं, लोग मोबाइल के पीछे लग जाते हैं, मोबाइल में फंस गए हैं। आज के बच्चे, युवा पीढ़ियां, माता पिता हैं, संसार की मोहमाया में पड़े रहने के कारण बहुत सारे अशांति हैं, लड़ाई झगड़ा है, परिवार टूट रहे हैं। आजकल बच्चों को पता नहीं किस प्रकार इन सारे वस्तुओं का इस्तेमाल करना है। मैं नहीं कहता हूं कि मोबाइल हमेशा के लिए छोड़ दो या कंप्यूटर का इस्तेमाल करना हमेशा के लिए छोड़ दो, लेकिन हम लोगों को किस प्रकार इस फ्रीडम का सही रूप में हैंडल करना है, ये हम लोगों को मालूम होना जरूरी है कि यह वस्तु जो है हमारे लिए बना है, हम यह वस्तु के लिए नहीं। वी शुड हैव पोसेशंस बट पोसेशंस शुड नॉट पोसेस अस। दुनिया के वस्तुओं का इस्तेमाल, सही इस्तेमाल हम लोगों को करना है, लेकिन उनके पीछे नहीं जाना है, उनका दुरुपयोग नहीं करना है। आजकल बहुत सारे कंप्लेंट्स, शिकायत मुझे मिलता है कि किस प्रकार
बच्चे दुनिया के मोह माया में फंस गए हैं, किस प्रकार माता पिता दुनिया के मोह माया में फंस गए हैं, कि हम एक सुअर के समान जीवन बिताते हैं। सुअर हमेशा नीचे नीचे देखते हैं, कभी ऊपर नहीं देखते। तो हम भी केवल दुनिया के बारे में सोचते रहते हैं, दुनिया की चीजों पर मनन चिंतन करते रहते हैं, कभी हम स्वर्गीय बातों पर मनन चिंतन नहीं करते। संत पौलुस इसलिए कोलोसे के नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय 3:2-5 में इस प्रकार कहते हैं, अगर आप लोग मसीह के साथ नया जीवन प्राप्त किया है तो आप लोग ऊपर की चीजों की मनन चिंतन किया करें, इस पृथ्वी के वस्तुओं पर नहीं, चीजों पर नहीं, बल्कि ऊपर की चीजों पर मनन चिंतन किया करें। और संत पौलुस वाक्य 5 में कहते हैं, आपके जीवन में जो भी पृथ्वी का है वो सब कुछ का दमन करें, जैसे कि पाप, लोभ और व्यभिचार, गाली देना, अपशब्द का इस्तेमाल करना, अशोभनीय व्यवहार और घृणा, ईर्ष्या, ये सब एकदम छोड़ दीजिए और स्वर्गीय बातों से अपने आप को आभूषण करिए। महिलाओं से संत पेत्रुस कहते हैं, पेत्रुस का पहला ग्रंथ अध्याय 3:3 में, आप लोग बाहरीय श्रृंगारों में नहीं बल्कि आंतरीय सुंदरता में ध्यान दें। केशों को मॉडल में बनाना, अलग अलग प्रकार के रंगीले कपड़े पहनना और अन्य चूड़ियां पहनना, ऐसा इस पर ज्यादा ध्यान ना दे। उसको पहनना अनिवार्य है, लेकिन उससे भी बढ़कर आपको अंदर की बातों को देखना चाहिए, एक सुंदर मनोहर जीवन बिताने में ध्यान दे। आजकल हम देखते हैं परिवार में माता पिता टीवी देखने में लगे हुए हैं, सीरियल देखने में लगे हुए हैं, सीरियल कभी भी समाप्त नहीं होते और इसी में लगे हुए हैं, और बच्चे मोबाइल में लगे हुए हैं और फिल्मों में लगे हुए हैं। आजकल दुनिया में इतने सारे चीज हमें मिलती है कि हम बर्बाद हो गए हैं, हमारे परिवार बर्बाद हो गए, गलत फ्रेंडशिप में फंस गए हैं, व्हाट्सएप के द्वारा, फेसबुक के द्वारा उसी में डूबे रहते हैं। कुछ लोग हमेशा ऑनलाइन में ही हैं, सुबह से लेकर शाम तक मैंने देखा है, ट्रेन में सवार करते समय यूथ वाले और बड़े लोग भी पूरा समय मोबाइल में देखते रहते। और एक प्रकार बुजुर्ग लोगों के लिए चलने के लिए लकड़ी चाहिए, उसी प्रकार आजकल के लोगों को चलने के लिए ये मोबाइल की जरूरत है। एक भी दिन मोबाइल को दूर रख नहीं पा रहे हैं, ऐसी अवस्था में आज बच्चे आ चुके हैं। इसकी वजह से इसका गलत इस्तेमाल हो रहा है। हम लोग पुरोहित होने के नाते पाप स्वीकार सुनते हैं और पाप स्वीकार में हमें पता चलता है किस प्रकार इस दुनिया के संसार के वस्तुओं का दुरुपयोग किया जाता है, किस प्रकार संसार में रहकर मन विकृत हो गया है। संत पौलुस कहते हैं कुरिन्थियों के दूसरे पत्र अध्याय 4:4 कि इस संसार के देवताओं ने विश्वासियों का मन
विकृत किया है, अंधा बना दिया है कि स्वर्गीय बातों का जो ज्योति अंदर प्रवेश करना कठिन हो गया है। यानी ईश्वर की जगह संसार के वस्तुओं को दिया जाता है और इसलिए ये संसार के वस्तु मोबाइल विशेष रूप में ईश्वर का जगह लिया है और ये मोबाइल में जो कुछ भी है हमारे सोच विचार को प्रभावित करता है और हम ईश्वर के प्रति हमारे जीवन के सन्मार्ग पर चलने का वो ऐसा जीवन शैली लेना भूल जाते हैं क्योंकि हम अंधा बन गए हैं। जब हम अंधा बनते एकदम अंधा बनते हैं तो हमें पता चलता है, लेकिन धीरे 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 अंधापन हमारे जीवन में आएगा तो हमें एकदम पता नहीं चलेगा। ठीक इसी प्रकार जब हम संसार के वस्तुओं का इस्तेमाल करते हैं तो हम धीरे 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 अंधे बन जाते हैं। ईश्वर के साथ समय बिताने के लिए हमारे पास वक्त नहीं होगा और हम हमेशा इसी में डूबे रहेंगे और इस चीज हमें संसार के लोग बनाते हैं, संसार के मोह माया में फंस जाते हैं। याकूब हम लोगों से कहते हैं अध्याय 1 वाक्य 27 में कि विश्वासियों से कहते हैं संसार के दूषण से अपने आप को बचा के रखें। बी अनटच्ड बाय द वर्ल्ड, यानी संसार हमारे अंदर राज्य ना करे, संसार के वस्तु हमारे जीवन में राज्य ना करे, बल्कि ईश्वर हमारे जीवन में राज्य करे। और आगे संत याकूब अध्याय 4 वाक्य 4 में इस प्रकार कहते हैं कि संसार से मित्रता ईश्वर से शत्रुता से बराबर है। जो संसार के मित्र बनना चाहता है वह ईश्वर के शत्रु बन जाएंगे। तो इसलिए संसार को हमें बहुत कम इसमें इस्तेमाल करना है और ईश्वर से मित्रता बनाए रखना बहुत बहुत अनिवार्य है। और हम आगे पढ़ते हैं संत योहन का पहला पत्र अध्याय 2 वाक्य 15 से 17 तक। तुम ना तो संसार को प्यार करो और ना संसार की वस्तुओं को। जो संसार को प्यार करता है उसमें पिता का प्रेम नहीं है। तो संसार को प्यार करने से, जितना प्यार देना है उससे ज्यादा प्यार करने से ईश्वर का प्यार हमारे अंदर नहीं होगा। प्रभु ईसा मसीह ने कहा है हम संसार और ईश्वर दोनों का सेवक नहीं हो सकते। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 22 वाक्य 21 में प्रभु येसु कहते हैं जो ईश्वर का है वह ईश्वर को दे दो, जो राजा का है वह राजा को दे दो। इसी प्रकार मैं आप लोगों से कहूँगा जो ईश्वर का है ईश्वर के लिए जो आदर सम्मान है महत्व है वह ईश्वर को दे दो और संसार के वस्तुओं के लिए जो समय देना है उतना पर्याप्त रूप में वही दिया करें। और आगे संत योहन कहते हैं संत योहन का पहला पत्र अध्याय 2 वाक्य 16 और 17 संसार में जो शरीर की वासना, आंखों का लोभ और धन संपत्ति का घमंड, ये सब पिता से नहीं बल्कि संसार से आता है। तो यह सब कुछ
पिता से उत्पन्न नहीं होता बल्कि संसार से आता है। संसार और उसकी वासना समाप्त हो रही है किंतु ईश्वर की इच्छा जो पूरी करता है वह युग युगों तक बना रहता है। संसार में सब कुछ क्षणभंगुर है। आज एक हीरो आया, 5 साल के बाद दूसरा हीरो आएगा। आज एक हीरोइन आ गई, 10 साल के बाद 5 साल के बाद दूसरी हीरोइन आएगी। इसी प्रकार बदलते रहते हैं। आज एक साम्राज्य है, कल दूसरा साम्राज्य होगा। सब परिवर्तनशील दुनिया है यह दुनिया। हमें यहाँ पर स्थिरता नहीं है, हमेशा परिवर्तनशील इस दुनिया में हम जी रहे हैं। एक बच्चा और बड़ा हो जाता है, युवा बन जाता है, और बड़ा होकर मिडिल एजर बन जाता है, और बड़ा होकर बुजुर्ग बन जाता है। और इसी प्रकार परिवर्तनशील दुनिया में हम जी रहे हैं, इसलिए हम अपने पूरे जीवन को संसार के लिए ना दे बल्कि हम पूरे जीवन को ईश्वर के लिए दिया करें। बहुत सारे उदाहरण देने के लिए, एक बार एक पति अपने पत्नी के बारे में कहते हैं, फादर मेरी पत्नी के पास 600 साड़ियां हैं। और पत्नी मुस्कुराते हुए कहती है, नहीं फादर 600 नहीं है, 400 ही है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि आप जी रहे हैं साड़ी पहनने के लिए, ये 400 साड़ियां आपको कितना दिन लगेगा ये पूरे का पूरा पहनने के लिए। इसी प्रकार संसार के वस्तुओं को हमारे घर में जमा ना करें। साड़ी क्यों ना हो, मोबाइल क्यों ना हो, और धन संपत्ति क्यों ना हो, गाड़ियां क्यों ना हो, हम इसके पीछे ना भागे। अधिकतर लोग जीते हैं संसार के उनके स्टैंडर्ड बनाए रखने के। अगर पड़ोसी ने एक मॉडल कार खरीदा तो हमारी पूरी कोशिश यह है कि उनसे भी बढ़कर और अच्छा मॉडल हम खरीदेंगे। और इसी प्रकार हम इसके लिए जीते रहते हैं। आज एक मॉडल मोबाइल खरीदा, कल इससे भी बढ़कर एक मॉडल जो है वो मोबाइल मैं खरीदूंगा, उसके लिए प्रयास करते हुए जीवन बिता रहे हैं। लेकिन हम लोगों को किसके लिए प्रयास करते हुए जीवन बिताना है? स्वर्ग में एक जगह पाने के लिए हम लोगों को इस दुनिया में रहना बहुत बहुत जरूरी है। अधिकतर समय हम लोगों की सोच यह है कि मैंने ये कपड़ा आज पहना, कल दूसरा कपड़ा पहना, नहीं तो लोग क्या सोचेंगे। और इसी प्रकार के सोच विचार हैं और कन्फ्यूशन है, भ्रम में पड़ जाते हैं कि अरे ये मोबाइल रखने से मेरा स्टैंडर्ड नहीं होगा, लोग मुझे नहीं मानेंगे, मैं थोड़ा नीचा हो जाऊंगा। और गर्मी के समय भी लोग सूट वगैरह पहनकर, टाई वगैरह पहनकर रहते हैं, इतने गर्मी है इस समय भी, क्योंकि संसार के समान सोच विचार हैं। हम लोगों को यह सोच विचार को छोड़ना है और ईश्वर के समान एक सोच विचार अपनाए। तो मेरे कहने का मतलब यह नहीं है कि संसार को छोड़ दो। संसार को कैसे इस्तेमाल करना है? संसार को हमें नमक जो हम इस्तेमाल करते हैं उसी प्रकार इस्तेमाल करना है। नमक कम डाले तो स्वाद कम हो जाएगा, ज़्यादा डाले तो स्वाद नष्ट हो जाए, खराब हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार संसार को जितना हमारे जीवन में पर्याप्त है उतना ही हम इस्तेमाल करते हुए इस जीवन में आगे बढ़े। तो हम इस दुनिया में जी रहे हैं हमेशा के लिए संसार में रहने के लिए नहीं बल्कि स्वर्ग राज्य में जाने के लिए हम ये जीवन बिता रहे हैं।
प्रभु ईसा मसीह, हम लोग उसे कहते हैं कि नश्वर वस्तुओं के लिए जीवन ना बिताए। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य के 27 में वचन इस प्रकार कहते हैं कि आप लोग नश्वर भोजन के लिए नहीं बल्कि अनश्वर भोजन के लिए जीवन बिताए। नश्वर भोजन, उसके लिए जीवन ना बिताए, उसके लिए अथक परिश्रम ना करे, उसके लिए जितना परिश्रम चाहे उतना एक परिश्रम करे, लेकिन हम जिए कि मुक्ति प्राप्त करने के लिए, अनश्वर जीवन के लिए। ये वास्तविक जीवन नहीं है इस दुनिया में, हमारा जीवन वास्तविक जीवन नहीं है। वास्तविक जीवन इस दुनिया के बाद में आता है। याद रखना कि इब्रानियों के पत्र में अध्याय 13 वाक्य 14 में कहता है कि इस दुनिया में किसी का भी कोई स्थाई नगर नहीं है। इस दुनिया में किसी का भी कोई स्थाई नगर नहीं है। जैसे कि हम देखते हैं कि जब हम कुछ हॉस्टल में रहते हैं तो हम उस हॉस्टल को उतना प्यार नहीं करते हैं जितना प्यार हम हमारे घर को करते हैं, क्योंकि हमें मालूम है 3-4 साल के बाद वो हॉस्टल से हमें वापस घर आना है। ठीक इसी प्रकार हम एक कदम आगे सोचे कि हम इस घर में 50 साल, 60 साल, 70 साल जीवन बिताएंगे, उसके बाद हमें असली घर जो है स्वर्गराज जो है वहां पर जाना है। आप चाहे या ना चाहे आपको इस दुनिया से विदा लेना है। आप इस दुनिया में परदेशी हैं, प्रवासी हैं, आपका स्वदेश स्वर्गराज है। एक गाना मैंने लिखा है इसके आधार पर, वह इस प्रकार है। जीवन यह हम पे दो पल ही है, जाना यहां से एक दिन हमें, हम तो यहां पे परदेसी है, हमको है जाना स्वदेश में। दो संतगण, संत ग्रेगरी और संत बेसिल, ये दोनों युवा थे, पढ़ाई कर रहे थे एक साथ। इन दोनों ने मिलकर एक ऐसा कहा कि लेट अस विड्रॉ फ्रॉम दिस वर्ल्ड बिफोर वी डिपार्ट फ्रॉम इट, कि ये कहते हैं हम इस दुनिया से बाहर आए, इस दुनिया से चले जाने से पहले, हम इस दुनिया से बाहर आए, इस दुनिया से चले जाने से पहले, हम इस दुनिया से एक दिन चले जाएंगे, तो उससे पहले हम इस दुनिया से बाहर आए, दुनिया के मोह माया से बाहर आए, हम दुनिया के वस्तुओं के पीछे ना भागे, ये सब क्षण भंगुर हैं, ये सब स्थिर नहीं है, ये हम समझे। एक उदाहरण मैं देना चाहता हूं, जैसे कि अगर आपको हिमालय माउंट एवरेस्ट में चढ़ना है तो आप केवल वही चीज वस्तु आपके साथ ले जाएंगे जो उपयोगी हैं वहां तक चढ़ने के लिए। आपके पूरे पलंग, फ्रिज, गाड़ी ये सब लेके नहीं जाएंगे। ये सब ले जाने से आप माउंट एवरेस्ट में नहीं पहुंचेंगे, और इसलिए जितना सीमित है उतना, जितना आवश्यक है आपको वहां तक चढ़ने के लिए, केवल वही आपके साथ ले जाएंगे। ठीक इसी प्रकार हम भी हमारे जीवन में केवल उतना ही पर्याप्त मात्रा में संसार के वस्तु का उपयोग करें, और हमारा लक्ष्य स्वर्गराज को रखते हुए जीवन में आगे बढ़े, वहां पर हम हमेशा के लिए रहेंगे।
यहाँ पर हम कुछ सालों के लिए रहेंगे, तो इसलिए परदेशी के समान, प्रवासी के समान हम इस दुनिया में रहें और उस हमारा वास्तविक घर जो है स्वर्गराज है, वहाँ पर एक जगह पाने के लिए हम जीवन बिताएं। और इसलिए इस दुनिया में मोबाइल, व्हाट्सएप, फेसबुक, कंप्यूटर, गाड़ी, घर, ये सब हमारी अच्छाई के लिए इस्तेमाल करते हुए जीवन में आगे बढ़े। ईश्वर, मेरी प्रार्थना यह है कि वह ईश्वर आपको सद्बुद्धि प्रदान करे कि आप इसका सही रूप में इस्तेमाल कर पा सके, ईश्वर आपको कृपा प्रदान कर सके। बहुत शुक्रिया।